हे गाइस, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग स्टडी स्किल सक्सेस। तो गाइस, आप सभी को पता है कि थर्सडे को कर्नाटका का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है 2020 का, वो कंडक्ट करवाया गया। इस कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते, जब इतनी सारी गाइडलाइंस जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन इन सभी गाइडलाइंस को एक साइड में रख के, एक रिस्क लेके कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया। अब उसका क्या खामियाजा रहा, क्या रिजल्ट रहा उस टेस्ट का, उस टेस्ट को करवाने का रिजल्ट क्या रहा, क्या स्टूडेंट्स ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया या फिर नहीं, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी रही, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो देख लें आप ये वीडियो, एक वीडियो क्लिप है वो देख लें, उसके बाद बात करते हैं आगे की वीडियो पर। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार स्टूडेंट्स ने सोशल डिस्टेंसिंग जो है की जो है वो धज्जियां उड़ाई है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से फेल हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई भी वहां पे कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर लगाया गया जिसपे लिखा था सोशल डिस्टेंसिंग और COVID-19 के कुछ रूल्स लिखे गए थे, वो स्टूडेंट्स को बोला गया था कि इस रूल्स को जो है वो फॉलो करना है। और यार, ये इंडिया है, अपने को पता है इंडिया में लोग कहने से रूल्स को फॉलो नहीं करते, लोगों को रूल फॉलो करवाना पड़ता है, तो फिर वहां पे इतनी सारी क्यों है जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं करवाई गई, ठीक है। उसके बाद इंडिया टीवी की एक न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यहाँ पर 1.94 लाख स्टूडेंट्स ने जो है वो CET का जो एग्जाम दिया है कर्नाटका में, जिसमें से 60 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट COVID-19 पॉजिटिव आई है। अब सरकार क्या करेगी इस पर, उसका अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1.94 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और उसमें से 60 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जो है वो COVID-19 पॉजिटिव आई है, यानी कि 60 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है वो पूरे स्टेट के 497 सेंटर्स में करवाया गया। एक रूम में सिर्फ और सिर्फ 24 स्टूडेंट्स को एंटर होने दिया गया, जिसमें से 12 गर्ल्स थी एंड 12 बॉयज़ थे। सिर्फ और सिर्फ एक रूम में जो है वो 24 स्टूडेंट्स को जो है वो रखा गया था। उसी के साथ आगे अगर बात की जाए तो ये जो स्टूडेंट्स मिले हैं, ये जो 60 कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स मिले हैं, ये 12th के जो अलग अलग सिटीज़ है उनमें से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा, आप ही के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कुछ पिक्चर्स है जो मैंने ट्विटर से डाउनलोड की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स है, आप देखने के बाद यकीन नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स ने इस प्रकार जो है वो COVID-19 का जो है वो पालन किया है। ये कुछ पिक्चर्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स का इस प्रकार से COVID-19 को फॉलो करना किसी न किसी तरीके से नई नीट और JEE के एग्ज़ाम्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। अब इस प्रकार अगर KCET की हालत रही, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट्स ने एंटर किया था, जिसमें से 75% स्टूडेंट्स ही आए थे, तो इस प्रकार की सिचुएशन में अगर 2 लाख स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं किया जा रहा है, तो अप्रोक्स 16 लाख स्टूडेंट्स ने नीट में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, और अगर माना जाए अगर 10 लाख स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो 10 लाख स्टूडेंट्स को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। सो गाइस, आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियंस है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आप सभी को ग्राउंड रियलिटी बताई है, किसी भी एग्ज़ाम को जो है वो क्रिटिसाइज नहीं किया है, मैंने यह नहीं बोला है कि ये एग्ज़ाम ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। जो एग्ज़ाम्स, जो रियलिटी थी, ग्राउंड रियलिटी थी, जो गवर्नमेंट का फेलियर था, वो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है।
सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस।